हे गाइस गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग आपका मोस्ट वेलकम हमारे सेशन में माय नेम इत मिश्रा आई एम योर जी एजुकेटर क्या मैं लाइव हो चुका हूँ दोस्तों ठीक है तो मैं लाइव हो चुका हूँ आप सबका स्वागत है हमारे सेशन में और आज कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो हम सब देंगे गुड मॉर्निंग गाइज गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आप सबका मोस्ट वेलकम है कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप अच्छे होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे और खूब सारा पढ़ाई कर रहे होंगे है ना गुड मॉर्निंग गाइज गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन और आज कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हम देंगे आइए देखते हैं ठीक है देखिए दोस्तों पहली इन्फॉर्मेशन अगर आप हमारा ये क्लास देख रहे हैं आठ बजे तो आपको एक क्लास और देखनी है जो होती है अनकेडमी स्पेशल पे डेली रात में टेन टेन पर ठीक इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम लोग एम करते हैं जो भी मैंने पढ़ाया आपको अभी हम उसका एम करते हैं डेली तो ये क्लास करनी बहुत जरूरी है आपको टाइमिंग रोज़ रात में दस बज के दस मिनट पर ठीक है जैसे आज हमारी सोलह तारीख है तो सोलह मई को हमारी ये क्लास होगी ध्यान देना ठीक है दोस्तों तो ये क्लास करना बहुत जरूरी है ताकि आपने जो पढ़ा करंट अफेयर्स उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा आज का टॉपिक कहाँ शुरू होगा रैंकिंग रिपोर्ट और इंडिसेस से और यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं डब्ल्यू की रिपोर्ट डब्ल्यू एच ओ की रिपोर्ट क्या आई है पहली इंफॉर्मेशन देखिए दोस्तों यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं यहां पर हम बात कर रहे हैं क्या बोला गया सेवेंटी परसेंट इंफेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड विथ गुड हैंड हाइजीन डब्ल्यू एच ओ फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंफेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ध्यान से डब्ल्यू एच ओ की पहली रिपोर्ट आई है फर्स्ट एडिशन ठीक डब्ल्यू एच ओ का पहला एडिशन आया है ठीक है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन द इनफेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल रिपोर्ट पहली बार डब्ल्यू एच ओ रिपोर्टिंग आ रही है और क्या बोला गया है कि अगर प्रॉपर हम हैंड हाइजीन करते हैं साफ रखते हैं तो सेवेंटी परसेंट बीमारियाँ जो हैं वो हम दूर हो जाएंगी हमसे ठीक है देखिए क्या और डीप में इतने क्या इन्फॉर्मेशन है देखिए दोस्तों क्या बोला गया ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे ठीक वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब पड़ता है ये आता है पाँच मई को तो ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे पाँच अप्रैल

ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल और यह बताया गया है कि अगर हम अपने हैंड को हाइजीन रखते हैं साफ रखते हैं तो 70 परसेंट बीमारियाँ हमसे दूर रहेंगी ऑन द ओकेज़न ऑफ द वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे पाँच पाँच मई को मनाते हैं तो डब्ल्यू एच ओ ने पहली बार रिपोर्ट निकाली है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सेवेंटी परसेंट बीमारियाँ आपसे दूर रहेंगी ध्यान देना पहला पॉइंट है हमारा यह हमारा पहला पॉइंट ठीक जो हमने एक्सप्लेन कर दिया किसने रिपोर्ट निकाली क्या टाइटल रिपोर्ट क्या है किस मौके पे निकाली ये डे हम कब मनाते हैं कितने परसेंट मारिया सब कुछ यहां पे सामने ठीक आगे बढ़ते हैं अब देखो क्या बोला गया तो इन 2021 ओनली ऑफ 106 कंट्रीज मेट ऑल द ट्वेंटी फॉर नेशनल इंफेक्शन कंट्रोल यानी क्या बोला गया है कि टोटल एक सौ छह देशों की बात करें ठीक तो डब्ल्यू एच ओ की गाइडलाइंस है कि आपको कैसे अपने हाथ साफ रखने हैं तो केवल चार देशों ने डब्ल्यू एचओ की बात मानी मतलब सारे टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो किए और किसी ने फॉलो नहीं किए तो 106 में से 102 देशों ने डब्ल्यू एच ओ के मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया 106 देशों एक उत्तर छह तो केवल चार देश ऐसे हैं जिन्होंने डब्ल्यू एच ओ के मिनिमम रिक्वायरमेंट को फॉलो किया और किसी ने फॉलो नहीं किया एक पॉइंट हमारा यह देख लीजिए ठीक है आगे बढ़ते तो इतनी इंफॉर्मेशन का देख लीजिएगा तो पहली इंफॉर्मेशन क्या दी हमने आपको ध्यान से देखिए तो डब्ल्यू एच ओ ने ऑन लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं पाँच मई को उस मौके पर रिपोर्ट निकाली पहली बार रिपोर्ट का तरी है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल और इसमें क्या बोला गया है कि अगर हम प्रॉपर हैंड हाइजीन रखें तो सेवेंटी परसेंट बीमारियाँ हमसे दूर रहेंगे अच्छा दो हज़ार बीस इक्कीस की बात करें तो डब्ल्यू एच ओ ने एक सौ छः देशों को समझाया था कि हमें ऐसे काम करना है जिसमें से केवल चार देशों ने WHO के मिनिमम रिक्वायरमेंट को फॉलो किया अदरवाइज किसी ने फॉलो नहीं किया तो एक पॉइंट हमारा ये, ठीक है देख लीजिए पहली इंफॉर्मेशन यहां पे हमारी ठीक है अच्छा आगे बढ़ते हैं स्विट्जरलैंड डीजी है डॉक्टर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर में आता है डब्ल्यू एच ओ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यू एन के छः बॉडी हैं छः पार्ट हैं उसमें एक पार्ट यह भी है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसके अंडर में डब्ल्यू एच ओ काम करता है ठीक तो पहले इंफॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की आपके सामने देखिए अच्छा यहाँ पर कुछ रिविजन पॉइंट भी है हमने कल आपको पढ़ाया था कि डब्ल्यू एच ओ हैज सस्पेंडेड सप्लाई थ्रू द यूनाइटेड नेशन एजेंसीज कोविड नाइन्टीन वैक्सीन कोवैक्सीन डब्बल्यू एच ओ ने कोवैक्सीन की सप्लाई पर रोक लगा दी है ना तो कल रात वाली क्लास में हमने ये पढ़ाया भी आपको चलिए आगे बढ़ेंगे बात करेंगे अपने नेक्स्ट की जो कि आपके सामने आएगा अभी और देख लेते हैं देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन हैज लॉन्च अविक टोबैको एप्लीकेशन टू टू हेल्प पीपल गिव अप द यूज ऑफ टोबैको इन ऑल फॉर्म इंक्लूडिंग स्मोकलेस एंड अदर न्यूअर प्रोडक्ट्स तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन डब्ल्यू एचओ का साउथ ईस्ट एशिया रीजन्यू एचओ का साउथ ईस्ट एशिया रीजन ने क्विट टोबैको एप्लीकेशन लॉन्च किया था मतलब जो देश यहां पे हैं उन देशों ने मिलकर क्विट टोबैको एप्लीकेशन लॉन्च किया था ये भी याद कर लीजिएगा साउथ ईस्ट एशिया रीजन ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो यहां पर ग्लोबल लिस्ट आई है Forbes की मतलब Forbes की ग्लोबल लेवल पर दो हजार कंपनी की लिस्ट फोर्ब्स की पूरे दुनिया में 2000 कंपनी की लिस्ट इन टर्म्स ऑफ द मार्केट कैपिटल और क्या बोला गया है रिलायंस टॉप रैंक इंडियन बाई सिंपल सी बात है अगर हम बात करें कुछ दिन पहले हमने क्या पढ़ा था रिलायंस भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसने हंड्रेड बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया तो अगर इंडियन लेवल की बात करें इन टर्म्स ऑफ कैपिटल तो रिलायंस पहले नंबर पर है ही है, है ना

इन टर्म्स ऑफ कैपिटल जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हमने कल या परसों पढ़ आपको पढ़ाया था कि in terms of capital, आ, की नंबर एक पर है, नंबर टू पे है, पे आपने सुना ही है? तो नंबर एक अरमाको है नंबर टू पे क्या है? और रिलायंस में हाँ इंडिया लेवल पर रिलायंस नंबर एक पर है, ठीक है देखिए, आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इज द टॉप रैंक इंडियन फर्म ऑन द लिस्ट फॉलोड बाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब देखो पहले पे रिलायंस है अगर इंडिया की बात करें रिलायंस इंडिया में नंबर एक पर है और ग्लोबल लेवल पर तिरपन नंबर पर है वहीं अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में नंबर टू पे है लेकिन ग्लोबल लेवल पर एक सौ पांचवे नंबर पे वहीं एच डी एफ सी बैंक इंडिया में थर्ड नंबर पर है ठीक और ग्लोबल पे वन फिफ्टी थ्री नंबर पे है और वहीं आईसीआईसीआई बैंक इंडिया में चौथे नंबर पे है और ग्लोबल लेवल पे 204 ये लिस्ट आपके सामने या मैं समझाऊं देखो यहां पे यहां पे लिखा हुआ है देखो यानी अगर हम बात करें रिलायंस तो रिलायंस कंपनी जो है बेटा वो इंडिया में नंबर एक पर है और ग्लोबल पे तिरपनवे पे है आफ्टर दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर दैट एच बैंक एंड आफ्टर दैट आईसीआईसीआई बैंक ये चार फर्म हैं पहले नंबर पे टू पे थ्री पे फोर पे लेकिन ग्लोबल पे एस कितने नंबर पे है 100 सौ एक नंबर पे है एच डी एफ सी एक नंबर पे है और आईसीआईसीआई 204 नंबर पे है तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं यहां पर हम की बात कर रहे हैं तो फोर्ब्स ने एक लिस्ट निकाली है पूरे दुनिया के पूरे दुनिया की सबसे बड़ी दो हजार कंपनियां इन टर्म्स ऑफ द कैपिटल और यहां पर बेसिकली हमने इंडियन फर्म के बारे में बात किया तो इंडियन फर्म टॉप फोर पे कौन है इंडिया लेवल पे एंड ग्लोबल आपके सामने है देख लीजिए रिलायंस दी आगे हैं गाइस तो ये हमारा पहला सेगमेंट था बड़ा सिंपल सेगमेंट है देखिए तो रिपोर्ट और इंडिस में पहले हमने क्या बात की हमने आपसे बोला कि डब्ल्यू एच ओ ने ऑन द ऑफ द वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे जो कि पांच मई को मनाते हैं उस मौके पे रिपोर्ट निकाली पहली बार रिपोर्ट का टाइटल क्या था कि भाई ग्लोबल रिपोर्ट है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन द इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल जहां क्या बोला गया सेवेंटी परसेंट बीमारियां हाथ धोने से खत्म हो जाती हैं और दो हजार बीस इक्कीस में एक सौ छह देशों में से केवल चार देशों ने मिनिमम क्राइटेरिया जो डब्ल्यू एच ओ का है उसे फॉलो किया और किसी ने फॉलो नहीं किया दूसरी इंफॉर्मेशन फोर्ब्स की 2000 कंपनी लिस्ट आई है जिसमें हमने इंडियन फर्म्स की बात की है कि कौन सी कंपनी इन टर्म्स ऑफ द मार्केट कैपिटल कौन से नंबर पे है इंडिया लेवल पे और कौन से नंबर पे है ग्लोबल लेवल पे हमने टॉप फोर की बात की आपसे ठीक चलिए अब वाइस आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट के हमारे जो कि अपॉइंटमेंट और रिजाइन को लेकर और जहां पर पहली इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों देखिए संजीव बजाज संजीव बजाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सी

तो बजाज फिंजर्व एक कंपनी है जिसके चेयरमैन है संजय बजाज ठीक तो इनको कंफेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है बाईस तेईस के लिए और इन्होंने टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन को रिप्लेस किया ठीक इन्होंने टीवी नरेंद्रन को रिप्लेस किया जो कि सीईओ है टाटा <coughs> स्टील में ठीक है देखिए पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने फिट यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं संजय बजाज की तो संजय बजाज जो कि चेयरमैन है बजाज बजाजर्व में तो उन्होंने संभाला है पदभार कौन सा प्रेसिडेंट ऑफ द CII? इन्होंने प्रेस किया टीवी नरेंद्रन को जो कि सीईओ है टाटा स्टील के ठीक है टीवी नरेंद्रन आपके सामने पॉइंट है आगे बढ़ते हैं देखिए? अब देखो यहां पर चेयरमैन एंड सीओ ऑफ हीरो मोटरकॉप पवन हैज टेकन ओवर एज द आई प्रेसिडेंट डेजिग्नेट फॉर बाईस इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब जो आपके पवन मुंजाल होंगे ये अगले साल बनेंगे प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट डेजिग्नेट बोला गया है ना फॉर द द ठीक है? और देखिए एग्जीक्यूटिव वाइस ऑफ ग्रुप सप्लाई चेन सोल्यूशन आर दिनेश आर दिनेश जी को अपॉइंट किया गया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द आई ठीक यानी प्रेसिडेंट कौन बने प्रेसिडेंट बने हैं आपके सामने देख लीजिए संजीव बजाज प्रेसिडेंट इलेक्ट कौन बना है मतलब मतलब प्रेसिडेंट कौन बना है पोन मुंजाल बने हैं और वाइस चेयरपर्सन कौन बना है वाइस प्रेसिडेंट सीआईआई के आर दिनेश जी बने हैं तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट डेजिग्नेट ये तीन इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं तो प्रेसिडेंट कौन बना गाइस फिर देख लो यहाँ पे तो प्रेसिडेंट बने हैं बजाज जी है ना संजीव बजाज वाइस कौन बना है आर दिनेश एंड प्रेजिग्नेट कौन बने हैं पवन मुंजाल बने हैं ठीक है पवन मुंजाल पवन मुंजाल तो ये तीन पॉइंट आपके सामने दोस्तों तो इंफॉर्मेशन दी हमने आपको आगे बढ़ते हैं अबाउट द तो CII का ईयर स्टैब्लिशमेंटी हेडक्वार्टर डेही में है और इसके डीजी महासचिव कौन है चंद्रजीत बैनर्जी इसके महासचिव हैं देख लीजिएगा ठीक है सी आई आई के बारे में बात कर तो एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों ये हो गई हमारी जहाँ पर हमने पहली बात की अपॉइंटमेंट की ठीक है हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की देखिए अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं दोस्तों आपको याद होगा अभी राष्ट्रपति जी ने हमारे देश में गुवाहाटी जो हाईकोर्ट है उसके चीफ जस्टिस इनको अपॉइंट किया है कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में तो वहां पे चीफ जस्टिस की पोस्ट खाली हो गई थी तो देखिए नोग मिकापम नाम थोड़ा टफ है इनका तो आप एन के सिंह याद कर लो एन के सिंह एन के सिंह याद कर लो वरना फुल क्या है? के को हाँ के एक्टिंग चीफ जस्टिस रूप में चुना गया एक्टिंग का मतलब एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द गुवाटी हाईकोर्ट ठीक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने क्या किया इन्होंने अपॉइंट किया है जस्टिस एनके सिंह द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द गुवाहाटी हाईकोर्ट एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द गुवास्टिस को या किसी जज को अपॉइंट करता है तो राष्ट्रपति के पास पावर है आर्टिकल दो सौ तेईस से यह ध्यान देना यह थोड़ा स्टेटिक पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए तो हमारे देश का संविधान जो है आर्टिकल दो हमारे राष्ट्रपति को पावर देता है कि वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या किसी जज को अपॉइंट कर सकते हैं ठीक है दो सौ तेईस अच्छा आगे बढ़ते हैं जस्टिस एनके सिंह सक्सीड जस्टिस सुधांशु धुलिया हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सुप्रीम कोर्ट जज तो वही मैं बोल रहा हूं कि सुधांशु धुलिया जी की प्लेस पर इनको अपॉइंट किया गया बिकॉज सुधांशु धुलिया जी कहां चले गए सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो सुधांशु धुलिया जो थे ये चीफ जस्टिस थे कहाँ के गुवाहाटी हाई कोर्ट के तो इनकी जगह पे एनके सिंह को अपॉइंट किया गया है बट एनके सिंह को मतलब अभी एक्टिंग मतलब कि नॉट परमानेंट अभी एक्टिंग चुना गया ठीक है तो वो देख लीजिएगा दोस्तों तो एक पॉइंट हमारा ये आगे बढ़ते हैं अबाउट असम कैपिटल हम ब्लेंडर हो गया क्या हमारा चलो तो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉक करते हैं नेक्स्ट इनफाम पे दइए देखिए आइए बोला गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट नाइन एडवोकेट एज जज ऑफ द हाई दाईकोर्ट देखिए तो भारत के राष्ट्रपति ने नौ अधिवक्ताओं को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रूप में अपॉइंट किया भारत के राष्ट्रपति ने मैंने क्या बोला था जज की बात कर ले सीजीआई की बात कर ले तो राष्ट्रपति तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट नाइन एडवोकेट एज द जज ऑफ डेली कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में जज चुना गया एडवोकेट ठीक है देखिए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड नाइन एडवोकेट एज जज ऑफ द डेली कोर्ट ठीक है तो डेली हाँ कोर्ट में अगर हम बात करें तो नौ एडवोकेट थे जिनको जज अपॉइंट किया गया ठीक है आगे देखिए अब अब ये नौ, अब ये नौ लोग कौन है तो नाइन एडवोकेट की बात करिए नाम है तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि इस नौ में कितनी फीमेल है ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है पहले भी देखा गया है कितनी फीमेल है मुझे याद है लास्ट ईयर की बात है शायद क्या लास्ट ईयर या उसके पहले की बात है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक साथ आठ नौ लोग अपॉइंट हुए थे आज तो उसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था कितनी महिलाएं इसमें ठीक है तो कितनी महिलाएं हैं तो देखो तारा विशाल कंजू जी हैं ठीक मिनी पुष्करण जी हैं और देखें तो मनमीत प्रीतम सिंह जी हैं ठीक और नहीं तो वो सब आप देखें यहाँ पे तो एक दो तीन तीन महिलाएं इसमें हैं ठीक तो तीन महिलाओं को चुना गया इसमें तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो आप ध्यान देना कि नौ जज अपॉइंट हुए हैं नौ एडवोकेट अपॉइंट हुए जज इन दिल्ली हाई कोर्ट राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया है विद आर्टिकल टू टू थ्री तो इसके बारे में याद रखेगा ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तो यहां पर हमने आपको पढ़ा दिया अपॉइंटमेंट ठीक है और इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी हमने आपको तो पहले इन्फॉर्मेशन हमने क्या दी आपको देखिए दे कि भाई ये जो संजय बजाज हैं बजाज फैंडर्व के चेयरमैन इनको सी का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया इन्होंने टी वी को रिप्लेस किया इसके अलावा दोस्तों हमने क्या बात की आपसे आर दिनेश ये सी आई आई के बने वाइस प्रेसिडेंट बने हैं और इसके पहले हमने क्या बात किया हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड के सीईओ चेयरमैन पवन मुंजाल इनको सी आई आई प्रेसिडेंट डेजिग्नेट अपॉइंट किया गया ठीक है ये देख लीजिएगा इसके अलावा हमने क्या पढ़ा दोस्तों मिस्टर एनके सिंह ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने क्योंकि क्योंकि यहां पर पहले जो चीफ जस्टिस है नाम क्या था संसु धुलिया इनको अपॉइंट किया गया है डेली हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जज तो प्लेस खाली थी दैट्स एन एनके सिंह को यहां पे मिला रिप्लेसमेंट बट ये भी एक्टिंग बने ठीक और इन एडवोकेट हैज जज ऑफ डेली कोर्ट ठीक है राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया है इनके नाम यहां पे मेंशन है तो नाम में आपको नौ नाम आप याद नहीं कर पाओगे तो आप ये देखो कितनी महिला कितने पुरुष हैं आपके काम हो जाएगा यहां पे ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट दोस्तों बैंकिंग फाइनेंस और इकोनॉमी जहां पर पहली इंफॉर्मेशन आपके सामने है तो सीपीआई रिटेल मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिटेल इन्फ्लेशन इन इंडिया सर्ज टू एट ईयर हाई एट सेवन पॉइंट सेवन नाइन परसेंट इन अप्रैल यानी अप्रैल मंथ में हमारा जो सीपीआई था वो 7.79 पॉइंट परसेंट पहुंच गया है मतलब कि पिछले आठ सालों का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है पिछले आठ सालों में सबसे ज्यादा महंगाई आई है ठीक यानी अगर इस सेंटेंस को हम गौर करें कि पिछले आठ साल का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ इसका मतलब क्या हुआ यानी आठ साल के पहले हम लगभग लगभग इतना इन्फ्लेशन झेल चुके हैं इसका मतलब ये हुआ ना तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कहने का मतलब ये है कि महंगाई जो है जिसने आठ साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया ठीक है अपने आप में बहुत बड़ी बात ये भी है दोस्तों क्या इन्फॉर्मेशन है तो आपको ध्यान क्या देना है कि भारत का रिटेल इन्फ्लेशन भारत का रिटेल इन्फ्लेशन मतलब सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये 7.79 परसेंट हो गया है अप्रैल में अप्रैल मंथ में ठीक मैंने आपसे पहले ही बोला हुआ है कि आपके पास एक पेज होना चाहिए जिसमें हर मंथ का हर मंथ का मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई हर मंथ का सीपीआई पी डब्ल्यू होना चाहिए आपके पास अगर आप पिछले दो साल से एग्जाम में देखो तो एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्कल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था सितंबर मंथ का सीपीआई कितना था और लास्ट ईयर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सीपीआई ने कितने महीनों का रिकॉर्ड ब्रेक किया जैसे इजा पूछेगा कितने साल का रिकॉर्ड तो 8 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया सीपीआई ने 7.79% अप्रैल ठीक ये देख लीजिए पहले

कंज्यूमर प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन फिगर स्टे वेल above द रिजर्व बैंक ऑफ India's अपर टॉलरेंस इसका मतलब क्या है दोस्तों देखिए, मैंने आपको खुद पढ़ाया हुआ है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और आर बी आई का टारगेट है कि हमारे देश में चार परसेंट इन्फ्लेशन होना चाहिए बस लेकिन इन्फ्लेशन आपके कंट्रोल में नहीं भाई रशिया यूक्रेन आपस में लड़ाई करेंगे क्या आपके कंट्रोल में था क्या नहीं था तो इन्फ्लेशन आपके कंट्रोल में होता नहीं है तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो कहने का मतलब कि प्लस टू परसेंट टॉलरेंस है मतलब तक तो कोई दिक्कत नहीं टारगेट हमारा ये है लेकिन मान इन्फ्लेशन बढ़ भी गया तो छह तक ये वही बोल रहा है कि अपर टॉलरेंस चौथी बार ऐसा हुआ है कि हमारा अपर टॉलरेंस बिगड़ा है फॉर द फोर्थ कंजिव मंथ है ना मतलब लगातार चौथी बार यानी कि मार्च अप्रैल में नहीं फरवरी मार्च अप्रैल एक जनवरी से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इन चारों महीने हमारा अपर टॉलरेंस से ऊपर इन्फ्लेशन रहा है तो छह से ऊपर रहा है, हाँ सही बात है भाई इस समय कितना है सेवन तो चार मंथ से हम लोग अपर टॉलरेंस का मेंटेन नहीं कर पाए हैं अपर टॉलरेंस का मतलब होता है छह परसेंट जिन बच्चों को नहीं पता जो बच्चे नए हैं जिन्होंने कभी मॉन्ट्री पॉलिसी मुझसे नहीं पढ़ा है। तो अपर टॉलरेंस मतलब छह परसेंट होता है तो छह परसेंट से ऊपर रहा है चार महीने हमारा लगातार तो यह आपको बताया जा रहा है ठीक है दोस्तों इसे भी याद रखिएगा ठीक अब क्या बोला गया इन अप्रैल द सीपीआई इन्फ्लेशन एक्सपेंडेड एट द हाइएस्ट पेस इन द ठीक है मालूम चल गया द प्रीवियस हाई वॉज रिकॉर्डेड एज थर्टी थ्री परसेंट इन द मे मेथ ठीक है दो हजार चौदह में हमारे देश में जो इन्फ्लेशन का रेट बढ़ने का दर था वो थर्टी थ्री परसेंट था यह बोला गया हालांकि ये डेटा इतना, इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है आप चाहे तो स्क्रिप्ट कर दें आप सिंपल से याद कर लो अप्रैल मंथ में हमारे देश में कितना ये सी पी आई है कितना है सेवन पॉइंट सेवन नाइन परसेंट ठीक और छह परसेंट जो हमारा कर है उससे लगातार चौथे महीने भी हम ऊपर इन्फ्लेशन है हमारा ठीक है तो ये पॉइंट हमारा दोस्तों हो गया आगे बढ़े तो मैंने आपसे क्या बोला दोस्तों ठीक है द रेट ऑफ द प्राइस राइज इन द फ्यूल एंड लाइट कैटेगरी इन द रिटर्न इन्फ्लेशन बास्केट तो अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की अगर हम केवल फ्यूल एंड लाइट की बात करें तो टेन पॉइंट एट जीरो परसेंट इन्फ्लेशन है ठीक है और किसमें ये बोला गया है ये बोला गया है तो द प्राइस इन द फ्यूट इन्फ्लेशन ठीक है दिस ईयर फ्रॉम सेवन टू दाइन मंथ ठीक है पिछले महीने सेवन पॉइंट फाइव टू परसेंट था यहां पर क्या बोला गया देखो यहाँ पे द रेट ऑफ द प्राइस राइज इन द फ्यूल एंड लाइट तो केवल फ्यूल लाइट की बात करें तो इन्फ्लेशन टेन पॉइंट एट परसेंट है और पिछले महीने सेवन ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको ये नहीं पूछेगा अलग से ये बता दिया गया बट पूछेगा नहीं आपसे अलग से कि केवल फ्यूल एंड लाइट में कितना इन्फ्लेशन था ठीक है या फिर पूछेगा नहीं आपका मन आप याद कर लो नहीं मन छोड़ दो इतना डीप में पूछेगा नहीं आपसे ठीक तो एक पॉइंट हमारा ये हम आगे बढ़ते हैं उसको ठीक है अब क्या बोला गया द रिजर्व बैंक हैज बीन मैंडेट बाई द सेंटर टू द रिटेल इन्फ्लेशन बिटवीन टू टू सिक्स परसेंट मतलब चार परसेंट इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है अपर टॉलरेंस एंड लोअर टॉलरेंस ठीक मतलब अगर इन्फ्लेशन छ हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है और इन्फ्लेशन दो हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है छ से ऊपर नहीं होना चाहिए और दो से कम नहीं होना चाहिए यह बोला जा रहा है आपको तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा है पॉलिसी वाली क्लास में ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की यहां पे रीजन पॉइंट है द होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन इन इंडिया इन द मंथ ऑफ मार्च इज मार्चिस यानी अगर तो डब्ल्यू तो आई मार्च मंथ में कितना था 14.55 था ठीक और इंडिया इन्फ्लेशन मार्च में मेंसेंट था तो ये आपको दो इंफॉर्मेशन दी जा रही है एक तो सीपीआई की मार्च मंथ की और एक डब्ल्यू मार्च मंथ की आपके सामने है आपको याद भी होगा मेरे ख्याल से पूरा पॉइंट है ना चलिए आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया इंडिया इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल टच रिकॉर्ड हाई इन अप्रैल में भारत का जो क्रूड इंपोर्ट है क्या बोला गया देखो अकॉर्डिंग टू एस एन पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस इंडिया सी बोर्न क्रूड ऑयल इंपोर्ट सरपास मिलियन बैरल पर डे पर डे यानी भारत जो है ये 4.8 मिलियन बैरल पर डे से ज्यादा तेल इंपोर्ट कर रहा है यानी ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए ये काम कर रही है वो ज्यादा तेल इंपोर्ट कर रही है भाई सिंपल सी बात है देखो अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है ठीक तो अगर हम बाहर से और इंपोर्ट करें मतलब जितना डिमांड है उसके बराबर सप्लाई कर दें तो प्राइस हमेशा डाउन जाती है तो गवर्नमेंट कर रही है वो ठीक तो गवर्नमेंट ने 4.8 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से अप्रैल में इंपोर्ट किया है तेल ठीक जिसमें रशिया से हमने 5 परसेंट इंपोर्ट किया है तो क्या बोला गया है कि अगर हम बात करते हैं दो की या बाईस की तो इंडिया ने रशिया से अपने टोटल इंपोर्ट का वन परसेंट से ऊपर कभी इंपोर्ट नहीं किया है लेकिन इंडिया फाइव परसेंट इंपोर्ट से रशिया से कर रही है रेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो भारत ने अप्रैल मंथ में पर डे के हिसाब से 4.8 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से इंपोर्ट किया तेल जिसमें रशिया से 5 परसेंट इंपोर्ट किया है जबकि उसके पहले की बात करें अगर हम पूरा दर बात बात करें या की बात करें या की की क्वार्टर मतलब जनवरी मार्च तो हमने वन परसेंट नहीं लिया है लेकिन अब हम पांच परसेंट ले रहे रशिया से। मतलब दो हजार बाईस की बात करें दोस्तों बाइस चल रहा है ना हमारा जनवरी फरवरी मार्च इन तीनों मंथ में हमने रशिया से केवल एक परसेंट एक परसेंट एक परसेंट लिया लेकिन आते रशिया से हमने पांच लिया है। उसका रीजन भी है अ वन मिलियन बैरल पर दे। सबसे ज्यादा तेल इंडिया ने कहा से लिया इराक से लगभग वन मिलियन बैरल पर डे मतलब 1.2 मिलियन मतलब टोटल कितना किया हमने फोर तो 4.8 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से हम तेल खरीद रहे हैं जिसमें से अकेले 1.2 मिलियन बैरल हम खरीद रहे हैं इराक से ठीक और इसी में से 5% परसेंट हम रशिया से परचेस कर रहे हैं जो कि पहले ये एक परसेंट था ये आपको बोला जा रहा है ठीक तो इसका मतलब दोस्तों जैसे जैसे हमारे देश में तेल की डिमांड बढ़ रही है तो हम रशिया से ज्यादा तेल खरीद रहे हैं ये बताया जा रहा है इसमें ठीक है चलिए इतनी इंफॉर्मेशन है केवल इतनी इन्फॉर्मेशन है मैं सर्च कर लिया पूरा पेज वेज तो इतनी इन्फॉर्मेशन मिली मुझे केवल इसमें तो ये आपके सामने पॉइंट है यहां पे बातचीत हो रही है प्रेरणा दीदी अपना सब्जेक्ट और तो कर ही सकते हैं मनु बोल रहे हैं ठीक है, है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लॉन्चेस क्रॉस बॉर्डर ट्रेड फाइनेंस सर्विस क्रॉस बॉर्डर ट्रेड फाइनेंस सर्विस इसका मतलब क्या है दोस्तों जैसे मान लीजिए हम कुछ इंपोर्ट करते हैं कुछ एक्सपोर्ट करते हैं किसी और कंट्री से तो ऑफकोर्स वहां पर रुपीज़ नहीं चलता मेनली डॉलर यूरो चलता है तो अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो कस्टमर्स हैं उन्हें किसी थर्ड पार्टी का हेल्प नहीं लेना पड़ेगा आप सीधे अपने अकाउंट से पेमेंट करिए आप जिस देश में करेंगे उस देश में करेंसी में आपकी करेंसी कन्वर्ट हो जाएगी उसमें आराम से पेमेंट करो ठीक है देखो तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आपके लॉन्च किया है ट्रेड नेक्स्ट ठीक तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ट्रेड नेक्स्ट नाम का जो एप्लीकेशन है किस बैंक ने शुरू किया है तो, तो, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है अक्रॉस बॉर्डर ट्रेड फाइनेंस सर्विस मतलब अपने देश के बाहर आप किसी और कंट्री में इससे आप, 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 आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो फॉर इंडियन एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एक्सपोर्टर इंपोर्टर बिजनेसमैन जो है उनके लिए ट्रेड नेक्स्ट नाम ऑल क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट वही सेम चीज है ठीक है well तो ट्रेड नेक्स्ट किसने लॉन्च किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ताकि आपको मतलब कुछ और यूज न करना पड़े और किसी एप्लीकेशन का आप सीधे अपने इसी से जो भी आप है, वो करें या पेमेंट दें ट्रेड नेक्स्ट ट्रेड नेक्स्ट किसका है दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च किया आपके लिए तो एक पॉइंट आपके पास ये था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिशमेंट ईयर 1919 महात्मा गांधी जी के द्वारा ये स्टैब्लिश हुआ था ठीक हेडक्वार्टर मुंबई राजकिरण राय जी एमडी सीईओ एंड टैगलाइन गुड पीपल टू बैंक विथ गुड पीपल टू बैंक विथ इज टैगलाइन ऑफ द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों तो एक इन्फॉर्मेशन ये हुई हमारी तो बैंकिंग फाइनेंस में बात कर रहे थे तो ये इतने इन्फॉर्मेशन पढ़ी हमने तो तो आगे बढ़ेंगे देखिए एक बार फिर देखो क्या पढ़ा हम लोगों ने अप्रैल मंथ में हमारा सीपीआई जो है इसने आठ साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया और सेवन इन्फ्लेशन हो गया हमारे देश में रीजन है फ्यूल एंड फूड प्राइसेस का बढ़ना ठीक और फिर क्या बोला गया कि जो हमारा अपर टॉलर सिक्स है लगातार चार महीने से उसे मीट नहीं कर पा रहे छह परसेंट से ऊपर इन्फ्लेशन रहा है हमारे देश में ठीक है और फिर क्या बोला गया दोस्तों वही बात है ये तो पॉइंट आपका है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इंडिया का जो कच्चा तेल है इंपोर्ट वो हम बढ़ा रहे कॉन्टीन्यूस ठीक है तो अप्रैल मंथ में क्या है अप्रैल मंथ में हमने सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट किया कितना इंपोर्ट किया फोर मिलियन बैरल पर डे इतना हमने तेल इंपोर्ट किया है जिसमें रशिया से हमने 5 परसेंट ऑयल इंपोर्ट किया अगर हम 2021 की बात करें या 2022 के जनवरी फरवरी मार्च हमने रशिया से अपने टोटल इंपोर्ट का केवल 1 परसेंट इंपोर्ट किया था लेकिन अभी हमने अप्रैल मंथ में 4 परसेंट ऑफ बढ़ा दिया है और हमने 5 परसेंट तेल इंपोर्ट किया फ्रॉम द रशिया ठीक इराक सबसे ज्यादा तेल हमें एक्सपोर्ट करता है इराक से हमने इतना लिया वन मिलियन बैरल यानी टोटल हमारा है 4.8 मिलियन इराक से हमने 1.2 मिलियन बैरल लिए हैं तेल ठीक और रशिया से फाइव परसेंट लिया पढ़ा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कस्टमर के लिए जो ऐसे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं एमएसएमई हैं तो उनके लिए ट्रेड नेक्स्ट नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसके थ्रू आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ठीक है इतना हमने पढ़ लिया दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे समिट एंड कॉन्फ्रेंस की

सेकेंड ग्लोबल कोविड नाइनटीन वर्चुअल समिट ऑन द इन्विटेशन ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ द यूएसए जोसेफ आर बिडेन जॉय बिडेन ठीक यानी कि अमेरिका इसे होस्ट कर रहा है सेकेंड ग्लोबल कोविड नाइनटीन वर्चुअल समिट होस्टेड बाई यूएसए मोदी जी ने यहां पे पार्टिसिपेट किया इतना पॉइंट है ठीक है द समिट इज वॉज को होस्टेड बाई द यूएस बेलीज जर्मनी इंडोनेशिया एंड सेनेगल ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है मतलब यूएस के साथ साथ और कौन देश है तो आपका बेलिस एक जर्मनी दो इंडोनेशिया तीन एंड सेनेगल मतलब टोटल पांच देशों ने सॉरी टोटल पांच देशों ने क्या किया होस्ट किया है यूएस के साथ साथ चार देश और थे मतलब एक यूएस हो गया आपका और चार और देश थे कौन बेलिस जर्मनी इंडोनेशिया एंड सेनेगल द समिट वॉज को होस्टेड बाई द यूएसए बेलिस जर्मनी इंडोनेशिया एंड सेनेगल तो ये पांच देश थे जिन्होंने होस्ट किया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं गए थीम ऑफ द समिट क्या थी इसकी प्रिवेंटिंग पैंडेमिक फैटिक एंड प्रियोरिटाइज प्रिपेयरनेस तो प्रिवेंटिंग पैंडेमिक फैटिक समिट में कुछ और खास नहीं था बहुत सारी चीजें एडॉप्ट करने की बोली गई वो हमारे मुद्दे की चीज नहीं थी मतलब पढ़ने वाली चीज नहीं है इतना पढ़ लो बस काउ खेता हम क्या बताते हैं दोस्तों दूसरा ग्लोबल कोविड 19 वर्चुअल समिट होस्टेड बाई यूएसए एन चार और देश बेलिस जर्मनी फिलिप इंडोनेशिया सॉरी एंड सेनेगल ठीक और इसकी थीम क्या थी प्रिवेंटिंग फैटिक एंड प्रिपेयरनेस तो ये है महामारी की थकान को रोकना और तैयारी को देना ठीक है ये हिंदी में है तो देख लीजिएगा ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब नेशनल लेवल न्यूज ने की बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन क्या हुई दोस्तों देखिए इंडिया बैन वीट एक्सपोर्ट विध इमीडिएट इफेक्ट भारत ने वीट एक्सपोर्ट को तुरंत के लिए रोक दिया है। क्यों रोक दिया दिया है 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 क्यों सिंपल सी बात है। हमारे देश में इन्फ्लेशन की चेन बन रही है चेन का मतलब क्या हुआ पहले हमारा होलसेल मार्केट महंगा हुआ फिर रिटेल मार्केट महंगा हुआ अभी हमारे देश में कच्चा तेल महंगा है ही है उसके बाद क्या है धीरे धीरे हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर आइटम्स महंगे हुए ठीक हाँ। है तो ये चेन है और इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं आगे पड़ता जरूर वीट पर या राइस पर पड़ता भाई सिंपल सी बात है कि अगर हम एक दिन सब्जी न खाएं तो हम चल लेंगे या दो दिन ना खाए चल लेंगे लेकिन भाई गेहूं चावल तो हमारी बेसिक नीड्स हैं तो भविष्य में कहीं गेहूं महंगा ना हो जाए शॉर्टेज की वजह से तो सॉरी तो हमारी गवर्नमेंट ने गेहूं पर इंपोर्ट बैन कर, कर दिया एक्सपोर्ट बैन कर दिया यानी अब हम गेहूं को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे भाई पहले अपना खाद होने पहले हम लोग फिर दूसरों को हम देंगे है ना तो गेहूं का एक्सपोर्ट रोक दिया हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखिए यूनियन गवर्नमेंट है ऑर्डर टू मैनेज ऑल ओवरऑल फूड सिक्योरिटी मतलब वही बोला गया यार कि पहले अपने हम खुद खा लें पहले जो हमारे देश में लोग हैं फिर हम अपने पड़ोसियों को देंगे ये सब है ना तो ये देख लीजिए दोस्तों तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया आगे बढ़ते हैं क्स्ट इन्फॉर्मेशन ने रिपोर्ट देखिए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर टू तो बी एट वाराणसी वाराणसी तो वारानसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोला जाएगा इसका मतलब क्या है दोस्तों अगर आपको पता हो तो हमारे देश से बहुत सारे लोग जो हैं वो जाते हैं ओमान सऊदी अरेबिया लीबिया नहीं वहां नहीं जाते ओमान जाते हैं कतार जाते हैं सऊदी अरेबिया या फिर यूएसए यूके वहां भी जाते हैं तो कहने का मतलब कि जब आप वहां पर जाएंगे तो आप जॉब कैसे करेंगे क्या आपके पास स्किल है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्किल इंडिया सेंटर खोलने की बात कब बोली थी जब मैथ था इसमें दो हजार सोलह सत्र की बात है अब यह खुलने आ रहा है तो ये सेंटर्स खोले जाएंगे जहां पर क्या होगा जैसे मान लीजिए आपको विदेश जाना है तो उस देश की लैंग्वेज उस देश के जो टर्म्स एंड कंडीशनस हैं वहां पर क्या काम करोगे आप ये सब आपको सिखाया जाता है यहां पे, ठीक है स्किल इंडिया सेंटर में तो फाइनली वाराणसी में स्किल इंडिया सेंटर खोला जा रहा है लखनऊ में खोला जा चुका एक? एक में, ठीक है देखिए दोस्तों क्या मुद्दा है पूरा तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन द इंटरनेशनल नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल इंटरनेशनल एंड द हिंदुस्तान पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ठीक हिंदुस्तान पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड तो एग्रीमेंट साइन हुआ है एनएसडीसी इंटरनेशनल और हिंदुस्तान पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है है ठीक है? अब क्या होगा इट हैज़ बिन साइन टू डेवलप स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वाराणसी एंड टू स्किल इंडियन यूथ फॉर परसुंग ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन लॉजिस्टिक एक्सेट्रा यानी क इस वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोला जाएगा ताकि अगर आप विदेश में जा रहे हो रोजगार के लिए फॉर द लॉजिस्टिक सेक्टर ठीक है तो आपको यहाँ पे सारे स्किल यहाँ पे सिखाए जाएंगे अबाउट द लॉजिस्टिक सेक्टर लॉजिस्टिक क्योंकि देखो हिंदुस्तान पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड हो रही है

इट हैज साइन टू डेवलप अ स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर एट वाराणसी एंड टू स्किल इंडियन यूथ फॉर परसुइंग ओवरसीज इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द लॉजिस्टिक और भी सेक्टर्स के लिए यहां पर ट्रेनिंग आपको दी जाएगी ठीक है ठीक है सो so, तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया आगे बढ़ते हैं तो आप देख लो तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि फॉर एग्जाम्पल स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर खुला वाराणसी में खुला ठीक है विद द विद द पार्टनरशिप ऑफ हिंदुस्तान पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड याद रखिएगा ठीक है, है तो एक पॉइंट हमने ये पढ़ा दिया सो आगे बढ़ते हैं नेशनल अफेयर्स में नेक्स्ट न्यूज और यहां पर हम बात करेंगे एनडीपीसी की एनडीपी की बात करेंगे एन डी पी सी इनिशिएट गर्ल एम्पावरमेंट मिशन तो आपके एग्जाम क्वेश्चन कैसे बनेगा कि किस पब्लिक सेक्टर कंपनी ने गर्ल एम्पावरमेंट मिशन शुरू किया है तो हमारा आंसर क्या होगा एनडीपीसी यानी कि बालिका इंपॉर्मेंट मिशन ठीक है देखिए क्या इसका मतलब तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की हम बात कर रहे हैं हैज इनिशिएटेड द गर्ल इम्पावरमेंट मिशन ठीक इसका मतलब क्या है फॉर अपलिफ्टिंग द लिव लाइफ ऑफ द अंडर प्रिवलेज गर्ल्स मतलब ऐसी बच्चियां जो कि मतलब सामान्य जीवन नहीं जी पाती ठीक है एंड इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री और हमारे देश में मतलब हमारे देश में डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों में से आती हैं उनकी बात कर रहे हैं देखो तो एन ने क्या किया है गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन शुरू किया है फॉर अपलिफ्टिंग द लाइफ्स ऑफ द अंडर प्रिवलेज गर्ल्स यानी ऐसी बच्चियां जो कि मतलब हमारे देश में सामान्य जीवन जी नहीं पाती हैं उनको उस लेवल पर लेके आना और डिफरेंट डिफरेंट रीजन से हमारे देश के ठीक है देखो द फोर वीक लॉन्ग मिशन विल प्रोवाइड एवरी गर्ल चाइल्ड इसेंशियल एजुकेशन हेल्थ एंड सेल्फ डिफेंस अवेयरनेस यानी चार वीक का प्रोग्राम होगा जहां बच्चियों को पढ़ाई ठीक स्वास्थ्य और आत्मरक्षा अच्छा सिखाया जाएगा अब क्वेश्चन यह कि एन टी बी सी क्यों कराए दोस्तों देखिए एग्जैक्टली exactly में क्या होता है आप हमारे देश में बिजनेस मैन हो सरकारी हो प्राइवेट मतलब नहीं है भाई आप अपने लिए काम कर रहे हो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो वाट अबाउट सोसाइटी जहाँ आप रहते हो तो हमारी गवर्नमेंट ने ये यह मिकश्योर किया हुआ है कि जितनी भी कंपनी है चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो आपको हर साल अपने प्रॉफिट का एटलीस्ट टू परसेंट खर्च करना पड़ेगा फॉर द कॉरपोरेट सोशलिटी सी एसआर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है समाज के लिए तो हर कंपनियां अपने प्रॉफिट का टू परसेंट खर्च करती है तो एनडीपीसी भी अपने प्रॉफिट का टू परसेंट खर्च करेगा कहां कर रहा है फॉर द गर्ल्स इंपॉर्मेंट मिशन तो एनडीपीसी एक गर्ल एमपावरमेंट मिशन लेके आ रहा है जहां पर पूरे देश से बच्चों को चुना जाएगा चार वीक का कार्यक्रम है जिससे बच्चों को पढ़ाया जाएगा ठीक और साथ ही साथ क्या किया जाएगा आपको आ, हेल्थ के लिए और एजुकेशन के और डिफेंस अवेयरनेस भी आपको दी जाएंगे ठीक है तो आवश्यक शिक्षा स्वास्थ्य और आत्मरक्षा ये क्या है दोस्तों गर्ल एम्पावर मिशन की बात करें एनडीपीसी ठीक है दोस्तों तो ये पॉइंट हमारे पास है आगे बढ़ते हैं अबाउट एनडीपीसी एनडीपीसी स्टैब्लिशमेंट नाइन सेवन हेडक्वार्टर डेली एंड श्री गुरदीप सिंह इसके चेयरमैन हैं ठीक है तो एक बात हमने की आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स में हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों देखिए ब्रिक्स बी आर आई सी एस ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका ये मीटिंग हर साल होती है

वो सहमत हो गए हैं लॉन्च पैंडमिक अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए पैंडेमिक अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है पूरा मसला देखिए दोस्तों यहां पे देखिए पहली बात बारहवा एडिशन बारहवा एडिशन मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स आपका हेल्थ मिनिस्टर्स ठीक है वर्चुअल हुआ होस्टेड बाई चाइना चाइना ने होस्ट किया द ब्रिक्स टू लॉन्च एन अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर द लार्ज स्केल पैंडमिक इसका मतलब क्या हुआ अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर द लार्ज पैंडमिक इसका मतलब दोस्तों ऐसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका ब्राज़ील ठीक है तो ये जो देश है पांच देश हैं तो अगर किसी भी देश में कोई पैंडेमिक आता है कोई डिजास्टर आता है तो तुरंत इसकी इंफॉर्मेशन और देशों को दी जाएंगी जो मेंबर कंट्रीज हैं ये बात हो रही है तो अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर लार्ज लार्ज स्केल पैंडमिक ये लॉन्च किया जाएगा दोस्तों फिर समझ लो हम लोग हम लोग बात कर रहे हैं ट्वेल्थ एडिशन ब्रिक्स ट्वेल्थ एडिशन ऑफ द ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग

अपना ये समिट जो है ये होस्ट करेगा ध्यान दीजिएगा ठीक है तो एक पॉइंट हमारा आगे हो गया दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन स्पोर्ट्स की हम बात करेंगे ठीक है तो स्पोर्ट्स में हमारे पास आपके लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है पहले इंफॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पे देखिए तो ये भी देखो आपका रिपोर्ट इंडिक्स ये भी आपका रिपोर्ट इंडिसेस और रैंकिंग की न्यूज है कैसे फॉर एग्जाम्पल लिंग मेसी टॉप द फोर्ब्स हाइएस्ट पेड एथलीट लिस्ट ऑफ दो यानी 2022 की फोर्ब्स की लिस्ट आई है

और नंबर थ्री पर ये है आपको दिखाते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन देखिए दोस्तों यहाँ पे तो मैसी की बात करें तो मैसी टॉप द लिस्ट ऑफ द फोर्प हाइस्ट पेड एथलीट्स 2022 ठीक विद अ रिपोर्टेड इनकम ऑफ 130 मिलियन डॉलर 130 मिलियन डॉलर कमाई इनकी रही तो इक्कीस में नंबर टू पे बास्केटबॉल प्लेयर लेब्रॉन जेम्स हैं विद द मिलियन डॉलर एंड नंबर थ्री पे रोनाडो मिलियन डॉलर के साथ देख लीजिए तो फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड़ की बात करें 22 की तो मेसी ने टॉप किया हुआ 130 है विद द मिलियन डॉलर इनकम नंबर पे जेम्स मिलियन डॉलर एंड थर्ड तो ये तीन हैं है जिनके बारे में बात की आपको और दिखना देखे यहां देखो अब हम क्या बात करेंगे बार्सिलोना टू पेरिस सेंट जर्मन

नंबर सिक्स पर केविन डूरेंट नंबर सेवन पे रोजर फेडरर नंबर एट पर कैनेलो अल्वारिस बॉक्सर हैं एंड टॉम ब्रैडी नंबर ए नाइन पे हैं एंड जियानिस एंड टेक को जो भी नाम इनका है बस तो ये नंबर टेन पे है ठीक है तो ये टॉप टेन की लिस्ट आपके सामने है। तो टॉप टेन में कोई इंडियन प्लेयर नहीं है भाई चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये इंफॉर्मेशन दी हमने आपको दोस्तों आगे बढ़े न्यूज़ नंबर टू न्यूज़ नंबर टू की आपके लिए तो यहां पर हम बात करेंगे आपसे इटालियन कप की तो इंटर मिलान जो क्लब है हमारा हमारा नहीं मतलब क्लब है क्लिंच इटालियन कप विद द फोर टू विक्ट्री ओवर द जुवेंटस तो जुवेंटस से जुवेंटस हार गया और यहां पर जीत गया कौन यहां पर जीत गया इंटर मिलान तो इंटर मिलान ने इटालियन कप जीत लिया है जवेंटस को हराकर पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने देखे दोस्तों तो इंटर मिलान एक क्लब है फुटबॉल का जिसने 2022 का इटालियन कप जीत लिया है ठीक इसने जुवेंटस को फाइनल में हराया ठीक है और ये इंटर मिलान की आठवीं इटालियन कप है आठवां एथ इटालियन कप है इंटर मिलान ठीक है तो इंटर मिलान फुटबॉल क्लब ने इटालियन कप 2022 जीत लिया है जुवेंटस को हराकर फाइनल में और यह आठवां इटालियन कप था इनका देख लीजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखिए तो हमने कुछ दिन पहले बात की थी कीमा शेरपा की ना रीता शे, कीमा शेरपा कीमा शेरपा रीता की बात की थी हमने तो वो छब्बीसवीं बार एवरेस्ट चढ़े थे देखिए अब शेरपा वुमेन क्लेम एवरेस्ट फॉर टेन टाइम ब्रेक ओन रिकॉर्ड दसवीं बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला है ठीक इन्होंने अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया है इनका नाम शेरपा नहीं इनका नाम नाम मैं बताऊंगा आपको भी तो नेपाल से बिलोंग करती हैं दसवीं बार इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की अपनी ठीक देखिए 48 साल की हैं नेपाली वुमेन है ठीक इन्होंने माउंट एवरेस्ट को टेंथ टाइम चढ़ा बारह मई को ठीक है इनका नाम क्या है इनका नाम है लख लख लग, लखपा शेरपा एल एच ए के पी ए लखपा शेरपा इनका नाम है तो नाम याद करना ये 48, 48 साल की हैं और इन्होंने दसवीं बार एवरेस्ट पढ़ाई चढ़ाई की ठीक है देख लो नाम क्या है लखपा शेरपा नाम देख लीजिए आप लोग इनका नाम देख लीजिए आप लोग तो लखपा शेरपा इनका नाम है ठीक है तो दसवीं बार इन्होंने एवरेस्ट चढ़ाई की है दोस्तों ठीक है आ, पिछली बार लास्ट टाइम इन्होंने 2018 में चढ़ाई की थी और अब बाईस में चार साल के बाद इन्होंने दसवीं बार चढ़ाई की है एवरेस्ट पर ठीक है तो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की इन्होंने सफलतापूर्वक टेस्ट फायर किया फर्स्ट एक्सटेंडेड रेंज ऑफ द एयर वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम सुखोई तो गाइस तो आपको मालूम ही है कि ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण हम सुखोई अपने जो एम की आई है उससे करने वाले थे ठीक है तो क्या इंफॉर्मेशन है वो देखिए दोस्तों तो इंडियन एयरफोर्स ने सफलतापूर्वक टेस्ट फायर कर लिया है द फर्स्ट एवर पहली बार एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ठीक कहां से किया हमने सुखोई थर्टी एम के आई फाइटर से किया हमने ठीक कहां पे किया हमने बे ऑफ बंगाल में किया हमने ठीक है देख लो पहले तो इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार फर्स्ट टाइम ये हुआ था एक्सपेरिमेंट हमने ब्रह्मोस का परीक्षण किया अपने सुखोई एयरक्राफ्ट से कहां पे किया बे ऑफ बंगाल में किया ठीक अच्छा द रेंज ऑफ द एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल इज अराउंड थ्री फिफ्टी किलोमीटर यानी कि इसकी रेंज तीन सौ पचास किलोमीटर है जो कि बढ़ाई गई है पहले इसकी रेंज दो सौ नब्बे किलोमीटर थी ठीक किसकी रेंज ब्रह्मोस की नहीं ब्रह्मोस के कई वर्जन है तो हम ब्रह्मोस के एयर वर्जन की बात कर रहे हैं तो ब्रह्मोस का जो एयर वर्जन है उसकी पहले क्या थी क्षमता दो किलोमीटर रेंज थी इसको बढ़ाकर 350 किलोमीटर की गई है याद रखिये भाई सिंपल सी बात है अभी कुछ दिन पहले की बात है जब ब्रह्मोस का हमने यूज किया था फ्रॉम द आईनएस चेन्नई उसकी भी हमने डिस्टेंस तीन सौ कर ली यानी ब्रह्मोस का जो हमारा नेवल वर्जन है उसकी भी रेंज 350 किलोमीटर इसकी भी हो गई है ठीक है एयर की साढ़े चार सौ है हमारे पास ठीक है हां नवीन सर मैं आपने बोल को सही बोला एयर वर्जन का अलग रेंज है, है एयरफोर्स का अलग है तो हम सबको बराबर करने वाले हैं सबसे ज्यादा रेंज हमारे पास एयर का है चार से साढ़े रेंज में है नेवल का हमने अभी चेक किया चेन्नई से चेन्नई से तो 350 हमने काम कर लिया और अब यहां पे हम काम कर रहे हैं ठीक है थीके? देख लीजिए आगे बढ़ते हैं क्या बोला गया द ब्रह्मोस मिसाइल अचीव सुपरसोनिक स्पीड ऑफ 2.8 पॉइंट एट मार्क टू मैक की ध्वनि से मतलब मतलब साउंड के स्पीड से तीन गुना स्पीड थी हमारे मिसाइल की ठीक है तो ये आपसे बोला जा रहा है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट सेगमेंट साइंस एंड टेक। एंड साइंस एंड टेक में हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन देखिए दोस्तों आपको बताया कि इसरो मिशन लॉन्च कर रहा है एक मैन मिशन मतलब देखो अगर आप जान सको तो कल हमने बात की थी चाइना के तीन एस्ट्रोनॉट ये गए भी स्पेस में छः महीने गए भी वापस भी आ गए यानी इंडिया ने भी कारनामा नहीं किया तो इंडिया ने इंडिया के पास कुछ क्षमता भी जब नहीं थी कि हम अपने एस्ट्रोनॉट को मतलब मैन मिशन को भेजें अंतरिक्ष में तो उसकी हम तैयारी करना तो इसरो ने सफलतापूर्वक टेस्ट फायर कर लिया ह्यूमन रेटेड एस दो सौ रॉकेट बॉस्टर बूस्टर फॉर दो हज़ार तेईस गगनयन मिशन गगनयान मिशन को जो होना था वो दो हजार बाईस में होना था बट ड्यू टू कोविड नाइनटीन पेंडेमिक मिशन टला और यह तेईस में होने वाला है तो इसरो ने दईस गगनयान मिशन के लिए मानव रेटेड एस टू हंड्रेड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है इसका मतलब क्या है यहां पे तो इसरो ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है द स्टैटिक टेस्ट ठीक ऑफ ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर एक्ट धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट ग्रण्ञ्यान प्रोग्राम यानी जो हम रॉकेट लॉन्च करने वाले हैं जिसकी भाई सिंपल सी बात है अभी तक हमारे पास मैन मेड तो था नहीं कुछ मतलब मैन तो हमारे रॉकेट थे, थे तो अब जो हम मनुष्य को लेकर जाएंगे ऊपर तो जो रॉकेट हमारा उसका नाम क्या है देखो यहां पे उसका नाम है आपका सॉरी एस टू हंड्रेड ठीक देखो तो इसरो ने अपना पहला

यानी जो ये हमारा रॉकेट लॉन्चर है तो ये नाम जो है एच एस बूस्टर इसको हमने कहा बनाया है विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम केरला में बनाया है हमने ठीक बना है ये ठीक तो है, है, बना है आगे बढ़ते गन मिशन इज टू डेमोन्स्ट्रेट इंडिजीनियसली कैपेलिटी ऑफ अंडरटेक मतलब गन का मतलब क्या है? कि हम लोग जो ये मैनमेड मिशन करेंगे तो अपने एस्ट्रोनॉट को लो अर्थ ऑर्बिट पे ले जाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं तो मालूम ही हमको ठीक है चलिए इसरो ईयर इंद्रह अगस्त उन्नीस सौ उनहत्तर हेडक्वार्टर बेंगलुरु एंड चेयरमैन एस सोमनाथ जी हैं ये टेंथ चेयरमैन बने इसरो के ठीक है आगे बढ़ते हैं इस नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए तो नासा जानना चाहता है कि मतलब आखिर वो क्या चीज है आखिर वो क्या पार्टिकल्स हैं कौन सा वो लेयर है जो कि अर्थ में जीवन को संभव बनाता है मतलब अगर हम मंगल की बात किसी और बात करेंगे तो वहां पर जीवन नहीं तो पृथ्वी पर जीवन क्यों है उसकी के लिए, तो नासा ने की, की जांच करने के लिए एक इंड मिशन लॉन्च किया है हम उसकी बात करने जा रहे हैं ठीक है देखिए दोस्तों तो नासा ने लॉन्च किया है अपना इंड्योरेंस मिशन इनटू एटमॉस्फेयर फ्रॉम द फ्रॉम द कहां से तो नॉर्वे से तो ये सब पत्र पढ़िए नॉर्वे से तो नासा ने नॉर्वे से अपना एक, एक मिशन लॉन्च किया है इंड्योरेंस मिशन जहां पे नासा स्टडी करेगा कि मतलब आखिर वो क्या चीजें हैं जो अर्थ में लाइफ को मे, वो मतलब मेंटेन रखती हैं ठीक है द मिशन एम्ड एट इन्वेस्टिगेटिंग हाउ अर्थ सपोर्ट लाइफ वाई अदर प्लान मार्स विनस विन नॉट यानी पृथ्वी में जीवन कैसे है जबकि मंगल में नहीं शुक्र में नहीं है तो उसको रीड करने के लिए इंडोरेंस मिशन लॉन्च किया गया है तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि नासा ने कौन सा मिशन या फिर इंडोरेंस मिशन किसने लॉन्च किया है नासा ने तो उसके नॉर्मली से लॉन्च किया है मेन ऑब्जेक्टिव स्टडी करना कि मतलब पृथ्वी पर कैसे लाइफ संभव है जो अन्य ग्रहों पर नहीं है ठीक है अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट इंफॉर्मेशन बुक्स एंड ऑथर बुक्स एंड ऑथर की हम बात कर रहे हैं ठीक है, है? देखिए मोदी एट द रेट ट्वेंटी ड्रीम्स मीट डिलीवरी बुक आई है देखिए ये आपके सामने बिक यहां पे है तो एक बुक आई दोस्तों हमारी मोदी एट द रेट ट्वेंटी ड्रीम्स मीट डिलीवरी इस बुक में कोई ऑथर नहीं है पीएम मोदी कैबिनेट कलीग्स एंड द मेजर पर्सनालिटीज तो इस बुक को इसने लिखा है किसने कंपाइल किया है पीएम मोदी कैबिनेट कलीग मतलब जो भी कैबिनेट में इनके सहकार मतलब लोग साथ साथ में काम करने वाले हैं और बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं उन्होंने अपने अपने कुछ पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं ठीक बुक रिलीज बाय द एम वेंकैया नायडू जी ठीक तो मोदी एट द रेट ट्वेंटी ड्रीम्स मीट डिलीवरी रिलीज बाई द एम वेंकैया नायडू जी है ना ठीक है आगे बढ़े गाइस नेक्स्ट पॉइंट की बात पॉइंट हमारे चौदह हम मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थ डे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये हर बार को मनाते हैं मई में इस बार फोर्टीन मई था आपके सामने थीम इंपैक्ट ऑफ लाइट पॉल्यूशन ऑन द माइग्रेटरी बर्ड इम्पैक्ट ऑफ लाइट पोल्यूशन ऑन द माइग्रेटरी है इस बार की स्टार्टेड इन 2006 बाय द यूएन एन छ में ठीक है और देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ ये इंपॉर्टेंट डे है एग्जाम में आता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज ठीक तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज कोई मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल छत्तीसगढ़ी families, families पेंशन, तो पेंशन योजना को बहाल कर दिया पहला स्टेट बन गया है पुरानी पेंशन योजना दोस्तों आपको बताइए दो हजार चार के बाद जो लोग ज्वाइन किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट तो आपको पेंशन मिलना बंद हो गया आपको पी डी एफ मिलता है तो छत्तीसगढ़ पहला स्टेट बना जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से कर दिया है शुरू ठीक है देखिए तो छत्तीसगढ़ हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू रिस्टोर द ओल्ड पेंशन स्कीम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इनकम टू रिटायर्ड एम्प्लाईज इसमें सबके अपने अपने मत हो सकते हैं डींग इकोनॉमिस्ट मेरा मत यहां पर यह है कि साठ साल तक आप अगर किसी को दे रहे हो सर्विसेस दे रहे हो तो अपनी अर्निंग से बहुत कुछ कर सकता है अब साठ साल के बाद अगर आप पैसे और दोगे पी उनका अधिकार है अगर आप पेंशन दोगे एक बंदे ने साठ से अगर नब्बे साल अस्सी साल जिया वो और उसकी पेंशन आप दोगे तो मेरे हिसाब से जो खर्चा पड़ेगा आपके ऊपर उस खर्चे से आप किसी और भी डेवलपमेंट स्कीम कर सकते थे मेरा मानना ये है ठीक है फिलहाल मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूं देखिए द स्टेट इशूड गैजेट नोटिफिकेशन टू स्विच बैक मतलब कि स्टेट ने ये बोल दिया कि हम ये करने वाले हैं ठीक है दोस्तों अब मेरी बात ध्यान सुनना देखो

क्योंकि हमारा खर्चा बढ़ने वाला है ठीक है? ठीक है अपनी भी बात है, आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ कैपिटल रायपुर सीएम भूपेश बघेल एंड गवर्नर अनुसुईया नेक्स्ट वन दोस्तों देव रिजाइन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द त्रिपुरा एंड मानिक साहब टू बी द नेक्स्ट सीएम है ना तो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर विप्लव <coughs> कुमार देव इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपना ठीक है और बेसिकली बेसिकली अब कौन बनेगा प्राइम चीफ मिनिस्टर वहां पे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट मानिक शाह जो हैं वो बनेंगे त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर विप्लव देव को रिजाइन देने को बोला गया था ठीक है तो ये देख लीजिए दोस्तों तो मानिक शाह न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा ठीक है त्रिपुरा कैपिटल अगरतला गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्या ठीक है दोस्तों चलिए यहाँ पे हमारा न्यूज कंप्लीट होता है इसकी हमसे क्यों सीलम कम मिलेंगे रात में मिलेंगे दोस्तों और ध्यान दीजिएगा बैंक एग्जाम प्राइस हाइक होने वाला है ठीक है प्राइस है होने वाला है आपके लिए अच्छी खबर दोस्तों कि आपको ध्यान क्या देना है देखिए अगर आप एक साल के लिए या दो साल के लिए सोलह मई शुरू है इसके अलावा दोस्तों आज से आपका ट्वेंटी परसेंट फ्लैट डिस्काउंट भी शुरू हो रहा है मोर देन फोर्टी फाइव परसेंट डिस्काउंट आपको मिल रहा है समय। हमारा कोड यूज करिए एवीपी वन जीरो और पढ़ने बैठ जाइए हमने आपको अपने बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा अन अकेडमिक इतिहास में बता रहा हूँ आपको ठीक है इससे सस्ता फॉर एग्जाम्पल जीत बैच तो मेरा जीत बैच लाइव हो रहा है कब अठारह तारीख से करंट अफेयर्स का बैच ये बैच आपको पकड़ लेना है फिर छोड़ना नहीं ये बैच चलता रहेगा चलता रहेगा तो एग्जाम खत्म नहीं होते हैं आपके ठीक है और अरुण सर पुनीत सर विशाल सर के बैच प्री के भी आ रहे हैं मेन्स के भी आ रहे हैं तो प्रॉपर बहुत बढ़िया बैच है लेके हैं। आपको हमारे बैच के देखना से और सबके तो लगाइए और आपको 45 दे रहे हैं। कैसे ट्वेंटी परसेंट फ्लैट दे रहे हैं और छह महीने एक्स्ट्रा देना आपको डिस्काउंट ठीक है तो देख लीजिएगा आपको इस समय पर पांच साल का पीआरक्यू मिल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं दोस्तों ठीक है एसओ के बैच हमें लॉन्च कर दिए आपके लिए ठीक आज के फीचर आपके लिए कि आपको डाउट मतलब मिल जाएंगे सर। तो ये सब चीजें हैं इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो प्लस की आठ हजार पांच सौ आपका दो साल के लिए और सात हजार एक सौ पचास लगाइए और आपको फ्लैट ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों ध्यान देना भूलना नहीं इस चीज को ठीक है आइकॉनिक की फीस इतनी है चौबीस महीने की दस हजार रुपए और बारह महीने की पांच सौ रुपए डिस्काउंट ट्वेंटी परसेंट के लिए हमारा कोड ए बी पी वन जीरो मेरी बातों को थैंक यू सो मच थैंक यू लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आप नए हैं तो मिलते हैं आपसे दोस्तों थैंक यू सो मच